नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं स्टफ्ड रवा इडली। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं 1 कप सूजी या रवा। हम ये ब्रेकफास्ट 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, आप अपनी क्वांटिटी उसके हिसाब से ऊपर या नीचे कर लेना। इसमें हम डाल रहे हैं दही 3 चम्मच, अगर आपके पास फ्रेश है, अगर आपके पास थोड़ा पुराना है तो 2 ही चम्मच डालिएगा। उसके बाद हम इसका बैटर बना रहे हैं। हम धीरे धीरे करके इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। तो जिस दिन आपने ये रवा इडली बनानी हो, आप सुबह उठ के सबसे पहले बैटर बना दीजिएगा, ताकि ब्रेकफास्ट टाइम पे आप सीधे आप इडली बना सकें। तो आप इसे आधा या 1 घंटे के लिए भी रखेंगे तो सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अगर आप उससे ज़्यादा घंटों के लिए भी रख सकते हैं तो अच्छी बात है। तो बस यूं ही इसे घोल कर अब इसमें सूजी फूलेगी, हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम कर रहे हैं इसकी स्टफिंग की तैयारी। हमने ऑयल गरम कर लिया, उसमें हमने जीरा डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड सीड, फिर हम इसमें डाल देंगे हींग, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, फिर हमने मूंगफली को भून के रखा हुआ था वो मूंगफली हम इसमें डाल देंगे। ये मूंगफली अपने आप स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। इसके बाद हम डाल रहे हैं हरी मिर्च, फिर हम डाल देंगे इसमें अदरक। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं करी लीव्स। कई बार ऐसा होता है कि अपने पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तो इन केस अगर ऐसा हो तो प्याज और आलू सभी के पास होता है, मसाले भी सभी के पास होते हैं, तो आप सिंपल सा उसमें तड़का लगा दीजिएगा, तब भी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मेथी पाउडर। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मैश किए हुए आलू, इनको हमने उबाल कर और मैश करके रख दिया था। आलू को अब हम मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। बस अब ये स्टफिंग लगभग तैयार है। इसके बाद हम इसकी गार्निशिंग धनिया के साथ कर लेंगे, या लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्ते, किसी के साथ भी आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये इसकी स्टफिंग बनाई है, आप सेम स्टफिंग जो है डोसे के लिए भी बना सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में आप ऐसे ही चपाती के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस स्टफिंग होती है। अब सूजी को रखे हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, हम ढक्कन हटा देते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। सूजी अच्छे से फूल चुकी है, ये काफ़ी थिक हो चुकी है, तो इसमें हम पानी मिला देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा कम करेंगे। हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, बीच की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। अब हम इसे अच्छे से मिला देते हैं, मैं आपको चेक कराती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। हम ये स्टफ्ड रवा इडली कटोरियों में बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें रवा बैटर डाल देंगे। कई बार ये कन्फ्यूज़न रहती है, इसमें ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो नहीं लगा कर भी नहीं चिपकता, लेकिन 3 में हमने नहीं लगाया, 1 में हम ऑयल लगा कर रख दे रहे हैं। एंड में जब ये इडली तैयार हो जाएगी तो आप देखोगे सभी से आसानी से ये इडलियाँ निकल जाएंगी। अब हम सभी कटोरियों में बैटर डाल रहे हैं। अब आपने जो स्टफिंग बना कर रखी है उसे आप इडली के हिसाब से डिवाइड कर दीजिएगा, और इस तरह से आप टिक्की की शेप उसे दे दीजिएगा। बस एक एक करके हम इसे कटोरियों में डाल देंगे। उसके बाद हम 1 लेयर बैटर की और इनके ऊपर डाल देंगे। अब ये कटोरियाँ तैयार है, अब आप इसे स्टीमर में रख देंगे। अगर स्टीमर ना हो तो एक कुकर ले लीजिएगा, उसमें स्टैंड रख दीजिएगा, उसके ऊपर प्लेट रख के आप इसे स्टीम कर सकते हैं। अब बस हम इसे ढक कर रख देंगे, हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देना है।
अब इसे स्टीम होते हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो इसे चेक कैसे करना है, आप टूथपिक या नाइफ लेकर इसे चेक कर सकते हैं। अगर वो क्लियर बाहर आए तो ये तैयार होता है। बस आपको नाइफ की हेल्प से इसे साइड से किनारे अलग कर देने हैं और इसे निकाल देना है। तो मैंने बताया था कि हमने एक में ऑयल डाला था और सब में नहीं डाला था, तो सारी इडली आराम से निकल गई। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, ये अगर आप तड़का इसके ऊपर डालते हो तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, ये देखने में भी अच्छी लगती है। तो इसमें हमने मस्टर्ड सीड और फ्रेश करी लीव्स डाली हैं, उससे हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। तो अब स्टफ्ड रवा इडली बन के तैयार हो चुकी है। तो आपने देखा कि घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ कितनी टेस्टी और हेल्दी जो ये रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको कट करके बताना चाहती हूँ कि ये अंदर से कितने अच्छे से स्टफ़ हुई है, ये कितनी अच्छी लग रही है। अब हम करते हैं इन्हें इंजॉय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।